ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। श्लोक ये ऐसा है कि हतो वा प्राप्स्यार्ह स्वर्गम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा मोक्षसे महीम्। तस्मादुष्ट उद्दिष्ट कौन्तेयः युद्धाय कृतनिश्चयः। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेयः युद्धाय कृतनिश्चयः। हता वा प्राप्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा मोक्षसे महिम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसका अर्थ यह है कि वा यानी या युद्ध में, हता यानी मारा जाकर, स्वर्ग यानी स्वर्गम यानी स्वर्ग को, प्राप्यस यानी प्राप्त होगा, वा यानी अथवा संग्राम में जीतकर जीतवा, महिम यानी पृथ्वी का राज्य, मोक्ष से यानी भोगेगा। तस्मात यानी इस कारण, कौन्ते यानी कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धा यानी युद्ध के लिए, कृत निश्चय यानी निश्चय करके उत्तिष्ठ यानी खड़ा हो जा। ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताब है गीता की, इसको लिखने वाले भी अजीब, मतलब जो इस किताब का हिंदी अर्थ किया है इन्होंने, ये गजब कई लोग हैं, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अब मोक्ष का ये अर्थ भोगने को कह रहे हैं, मोक्ष शब्द का अर्थ भोगना कह रहे हैं, मोक्ष से यानी भोगना, मतलब जो अर्थ शब्द से अर्थ ही अलग निकल रहा है और कुछ अर्थ और कुछ दे रहे हैं, लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ है, जो भगवान की सदगुरु की कृपा से हमें जो लगता है, वो ऐसा है कि यदि तू आत्म साक्षात्कार के मार्ग में यदि किसी कारण से मर भी जाए, अब जरूरी थोड़ा यार आत्म साक्षात्कार ये आदमी हो तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, कि उसको मलेरिया नहीं होगा, कि उसको कैंसर नहीं होगा, कि उसको उसके शरीर को, शरीर अलग चीज है, आत्म साक्षात्कार अलग चीज है। अब भाई आत्म साक्षात्कार हो गया, उन्हें कूद जाओ आग में, नहीं जलोगे, ऐसा थोड़ा होता है। प्रकृति के नियम, शरीर अलग होता है, ज्ञान अलग होता है। तो यदि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में किसी कारण से मर भी जाए साधक अर्जुन, तू मर भी जाए तो भी तुझे दिव्य लोकों में, जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, ऐसे लोकों में विश्रांति यानी प्रतीक्षा करने का अवसर मिलेगा। देखो ये बात मुझे इसलिए जचती है कि मीरा भगवान श्री कृष्ण के समय में एक गोपिका थी और उसका किसी कारण से मोक्ष नहीं हुआ, भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पण नहीं था, या क्या कोई गड़बड़ थी, या वृत्ति में कहीं कोई दोष आ गया होगा, या कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई होगी, तो 4,500 साल के बाद मीरा दोबारा आई, वो गोपिका दोबारा आई और मीरा का जन्म लेके मुक्त हुई। अब 4,500 साल कहाँ रही वो? यहां पर हमें यह याद रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था है जो गोपनीय है, उस रहस्यपूर्ण बात है, उसको प्रकट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे रेलवे के इंजन ले जाने वाले ड्राइवर होते हैं, उनका दिल्ली बंबई जहां भी वो जहां तक इंजन ले जाते हैं, वहां उनका विश्राम आलय रहता है, रिटायरिंग रूम होता है,
ऐसे ही जो मुमुक्षु होते हैं, जो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनका भी एक रिटायरिंग रूम जैसे मीरा का होगा, ऐसा होगा, जरूर होगा। और ये बात मैं आप लोगों को इस केस सीडी में या इस बात प्रवचन में नहीं बता सकता हूँ, ये सार्वजनिक करने जैसी बात नहीं है। अगर भगवान कहते हैं कि अगर तू सफल हो गया तो आत्मयोद्धा की तरह तुझे अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा और तू विजेता हो जाएगा, सर्वोच्च विजेता हो जाएगा। छोटे मोटे पृथ्वी को जीतना क्या जीतना है, अरे पूरी की पूरी माया जीत लेगा तू। जीवन मुक्ति का जो आनंद है, उस आनंद में तू इतना आनंद मग्न हो जाएगा कि इंद्रियों के शरीर में रहकर भी तू इंद्रियातीत के आनंद का अनुभव करेगा। और अमृत के सागर में माया से अतीत होकर, माया के बिना, है ना, इस शरीर की के साथ में इतना बाकी का समय तू जीवन मुक्त महापुरुष की तरह गुजारेगा। आनंद स्वरूप में जीता रहेगा। इसलिए है अर्जुन, भले ही शरीर में जो कुत्सित वासना के माध्यम से यह शरीर पैदा हुआ है, इसलिए इसको कुंती पुत्र कहते हैं। ये हर व्यक्ति का शरीर जिन परमाणुओं से बना है, वो परमाणु सर्वविदित है कि कहां से किस तरह से हुआ है। तो ये इसको कुंती पुत्र इसलिए कहा है कि कुत्सित वासनाओं से यह मनुष्य का जो शरीर बना है, लेकिन यह माध्यम है, यह साधन मोक्ष का द्वार है। रामायण में लिखते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह जो शरीर है वो मोक्ष का द्वार है और माया की नींद से जागने का ये बड़ा अच्छा माध्यम है। उठकर खड़ा हो जा, अपनी जीवन ऊर्जा का जागरण कर ले, उसको मूर्छा से हटा ले, उसको ऊर्ध्व की ओर ऊपर की ओर ले जा, उसको नीचे के खड्डों में मत गिरा। माया की नींद से जाग कर और जागरण की जब अवस्थाओं को प्राप्त कर तू इस अंतर युद्ध को, इस पावन दिव्य दृढ़ निश्चय के द्वारा इस अंतर युद्ध को तू जीतेगा, पक्की बात है। सदगुरु के मार्गदर्शन में अंतर यात्रा की जो दिशा होती है वो बिल्कुल सही चलती है। ये जीवन का जो संग्राम है, इसलिए इसको जीवन संग्राम कहते हैं। तेरा जीवन तेरा होना, ये माया की कुत्सितता कुवृत्तियों के जो कौरव हैं, इन कौरव ने तेरा जीवन तेरा होना ये हर लिया है, किडनैप हो गया है तू, तुझे हराने की कोशिश में लगे हैं। तो यदि तू सदगुरु के पूरे पूरे मार्गदर्शन में चलकर और इस अंतर युद्ध को तू जीत ले अर्जुन, तो क्या होगा कि हतोवा प्राप्त से स्वर्ग है, तो समझाई दिया मैंने। और कल मैंने स्वर्ग का अर्थ बताया था, स्व यानी अपनी, अपने स्वरूप में, है ना, और अपने स्वरूप में जागने के लिए जो प्रयास करता है, समझो स्वर्ग की ओर जा रहा है। और जितवा मोक्ष से महिम, अब यह जो जीत होगी तेरी सदगुरु के मार्गदर्शन में, और 100% होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। जो व्यक्ति, जो जिज्ञासु अपने सदगुरु के माध्यम उसमें मार्गदर्शन में और सदगुरु के प्रेम में डूबकर और साधना करता है, उसको किसी के बाप की ताकत नहीं है कि उसकी साधना को असफल कर दे। तो तू मोक्ष से महीम, लोग तो मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष से भी बड़ी चीज तुझे प्राप्त होगी। ये मोक्ष शब्द भी तेरे लिए यहां बोना हो जाएगा। तो जिज्ञासुओं के लिए मैं कह रहा हूं, ये सदगुरु का जो मार्गदर्शन है, इसमें जो पूरे चलते हैं वो तो निकल जाते हैं, और जो पूरे ना चलकर थोड़ा बहुत चलते हैं, और माया अपनी आसक्ति में उनको भटका देती है। तो चूंकि वो सदगुरु ने, उन्होंने, सदगुरु ने उनको स्वीकार लिया है, क्योंकि सदगुरु ने उनको स्वीकार लिया है, मतलब तुम्हारा टिकट कन्फर्म किया सदगुरु ने, किंतु तुमने गड़बड़ कर दी। तो क्या करते हैं कि तुम्हारा सदगुरु पिछली अगली फ्लाइट में रिजर्वेशन कर देते हैं, भाई तू इस फ्लाइट में नहीं आ पाए, चलो पिछली फ्लाइट में आ जाना।
कहने का मतलब यह है कि जो सदगुरु को स्वीकार ले और उनके सदगुरु के साथ अपनी हृदय की थोड़ी बहुत भाव दशा को जोड़ ले तो उसका तो कल्याण निश्चित ही है। वो तो मीरा की तरह और बहुत अच्छे रिटायरिंग रूम में विश्राम करके फिर आ जाएगा और अपना अधूरा कार्य पूरा कर लेगा। इसलिए अर्जुन भगवान के इस सूत्र का इस संकेत अर्जुन को आत्मविश्वास दे रहे हैं कि तू जरूर जीतेगा, ऐसा नहीं कि नहीं जीतेगा। और मान लो कि तू नहीं भी जीता तो तुझे स्वर्ग यानी परमात्मा के उस स्थान को तुझे मिलेगा जहां परमात्मा के दर्शन के लिए जिज्ञासु लोग प्रतीक्षा, जीवात्मा प्रतीक्षा करती है। लेकिन अब एक बात है, भगवान कहते हैं कि युद्ध का निश्चय कर ले। देखिए संसार में भी निश्चय करते हैं, अपराधी भी निश्चय करते हैं डाका डालने का, चोर भी निश्चय करते हैं डाका डालने का, लेकिन वो निश्चय ऐसा होता है उनसे उनको कुछ मिलता नहीं। और यदि परमात्मा को प्राप्त करने का आपने निश्चय कर लिया तो सतगुरु यानी मेरे साथ रहकर यह मोक्ष, यह मुक्ति, यह परम और चरम अवस्था, यह महान महिम यानी महानतम, इससे महान सारे जगत में कुछ भी नहीं है। एक जगत नहीं, कई जगत में कुछ भी नहीं है। आज हमने दैनिक भास्कर में पढ़ा, नासा के विद्वानों ने कहा है कि 10 करोड़ पृथ्वियां हैं पूरे आकाश, एक इस आकाश गंगा में, अपनी आकाश गंगा में, जहां के जीवन की संभावना है। अब वो बेचारे, उनको कुछ पता नहीं है। हमारे ऋषि मुनि तो हजारों साल पहले ये बात बता गए, और विश्वामित्र आदि जो ऋषि मुनि है वो तो आंख बंद करके अंतर ध्यान होकर दूसरी सृष्टियों में चले भी जाते थे, उनको किसी वायुयान की जरूरत नहीं पड़ती थी। अरे भाई, आज से 20 साल पहले क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा कोई मोबाइल फोन होगा या स्काइप ही होगी? आज से 40-50 साल पहले किसी ने सोचा था कि ऐसा इंटरनेट होगा, ऐसी फेसबुक होगी? इसलिए अभी विज्ञान ने कुछ भी प्रगति नहीं की है। तो जो हम गुरुदेव की कृपा से जो ये भगवान कह रहे हैं कि इसमें तू शंका मत कर, ये जो तेरी चरम और परम अवस्था है तुझे प्राप्त होगी, बस तू तो ध्यान करो, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अंतर अन्वेषण करता हुआ चल, खोज करता हुआ चल। इसलिए हम जो ध्यान कराते हैं वो मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस है, मेडिटेशन ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है। इल्यूजन के जो लोगों को चक्रों में ध्यान आता है, ये दिख गया ना, वो दिख गया ना, वो देवी और ना वो देवता ना फलाना, ये सारे इल्यूजन है। असल में मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस का मतलब यह है कि समस्त मायिक पदार्थों को त्याग कर उनको पहचान लो, उनसे हटते हुए, उनको जानते हुए, अपने आत्म स्वरूप पर धीरे धीरे खिसकते हुए चलो। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है व्यक्ति का अन्वेषण हो जाता है। इसलिए कश्मीर गुरु तंत्र में, कश्मीर में एक शैव तंत्र हुआ है, गुरु तंत्र मतलब शिव भगवान शंकर का, उसको कश्मीर शैव तंत्र कहते हैं। उसमें कुछ गिने चुने सूत्र हैं, उसका एक प्रमुख सूत्र है गुरु उपाय, गुरु ही उपाय है। इसलिए सारे वेद पुराण, शास्त्र उपनिषद अंत में मौन हो जाते हैं, नेति नेति हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, चुप हो जाते हैं। तूष्णी भवा, इसलिए चुप हो जाना चाहिए, तूष्णी हो जाना चाहिए। मौन कैसा, वाणी का मौन, विचार का मौन, वृत्ति का मौन, फिर इसके बाद परमात्मा में जाकर जीने का मौन। तो ये जो है ये सारा उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है, ये उपदेश आप लोगों के लिए है। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी और जब तक सदगुरु रहेंगे और जब तक जिज्ञासु रहेंगे, उन सबको सदगुरु गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, उनके अच्छे अच्छे वाक्यों को चुन चुन के अपने भक्तों को और परमात्मा की ओर ले जाने के लिए बताते रहेंगे। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाती है, पौष्टिक पौष्टिक भोजन बनाती है,
जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज के लिए चुन चुन के दवाइयां गोलियां इंजेक्शन देता है ताकि वो ठीक हो जाए, ऐसे सदगुरु भी चुन चुन के तुम्हारे अंदर विश्वास हो जाए, इसलिए मात्र गीता रामायण उपनिषद इनका सहारा लेते हैं, वरना ज्ञानी सदगुरुओं को इनका सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का जो सूत्र है वो आपको स्पष्ट किया सदगुरु भगवान की कृपा से, और बस गुरु महाराज की कृपा का आभार मानते हुए, और ये सूत्र आज का यथापूर्ण हुआ।